काफ़ी मतलब आपका वीडियो देख के खुश होता है कि चलो मेरे एक हमारे आसपास से कोई भाई बनाते हैं, करने बहुत अच्छा लगता है हमको कि चले भाई आगे बढ़े, उसके पीछे हम लोग भी बढ़े। गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों अभी बज गए हैं 3:50 और वो मेरा रहा सोने का जगह दोस्तों, जहां हम सोते हैं। और दोस्तों आज हमारे पटना से हमारे एक भैया का फ़ोन आया था जिनका नाम है संतोष सुमन, और दोस्तों वो पटना में एक रिकॉर्डिस्ट का काम करते हैं, स्टूडियो में रहते हैं। तो उनसे काफ़ी लंबी बातचीत आज हुई दोस्तों, तो उन्होंने बताया कि पटना आ जाओ, बहुत सारे यहाँ पर लोग तुम्हें मिल जाएंगे अगर ब्लॉगिंग करोगे। तो दोस्तों आप कमेंट करके एकदम बताना दोस्तों कि बहुत सारा हमारा कलाकारों का खान है पटना हमारा, वहाँ पर गानों का, फिल्मों का, और वहाँ पे स्टूडियो है बहुत सारे दोस्तों पटना में। तो हम चाहते हैं दोस्तों कि पटना जा करके एक एक स्टूडियो में या वहाँ पे कहीं भी गाने का, फिल्म का शूटिंग या बड़े कलाकार दोस्तों पटना में है तो मैं मिलने में आसान होगा, क्योंकि संतोष सुमन जो भैया हैं हमारे वो पटना में रहते हैं, रिकॉर्डिस्ट का काम करते हैं। और तो बताएं कि आ जाओ पटना, हम काफ़ी सपोर्ट करेंगे। तो भाई जब तक हमारे वीडियो देखने वाले सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक भाई मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं पटना जाऊं, मैं काफ़ी कलाकारों से मिलवाऊं, और वहां फिल्म का शूटिंग, एल्बम का शूटिंग कैसे होता है, और बहुत सारे वहाँ पर कलाकारों का खान है दोस्तों पटना, तो मैं मिलने जाऊंगा। लेकिन जब आप पूरे भाई कमेंट कीजिए, पूरा वीडियो में कमेंट भर दीजिए दोस्तों, और तब मैं खुश होकर जाऊंगा कि मेरे भाई ने हमें कमेंट किया है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। तो भाई का हम इंतज़ार करेंगे, कमेंट आप लोग का पूरा कमेंट आनी चाहिए तभी मैं जाऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं कितने सारे कमेंट आते हैं, उसके बाद मैं जाऊँगा पटना, बहुत सारे कलाकारों से मिलवाऊँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितने सारे कलाकार हैं जो फेमस हैं, जो आप जानते हैं जिन्हें, मैं उनसे मिलूंगा दोस्तों। तो मेरे घर के किनारे किनारे नदी बहती है दोस्तों। दोस्तों मैं घर से बाहर निकल गया हूं और आज दोस्तों अभी याद आया आज बाज़ार भी है, ये अपना पूरा सेफ्टी का ख्याल रख रहा हूं भाई, बोलना मत कोई कि मास्क नहीं लगाते हो, कभी कभार भूल जाते हैं वीडियो में तो मास्क लगाना भूल जाते हैं। और अभी फ़िलहाल हम अपना ये सरकारी स्कूल हमारे गांव का है दोस्तों, आज बाज़ार है तो हम दोस्तों मम्मी के लिए केला ज़रूर लेंगे, क्योंकि आज याद आ गया कि बाज़ार है, हमारा मम्मी का फेवरेट है दोस्तों। दोस्तों जिस दिन बाज़ार रहता है उस दिन ई रोड काफ़ी चालू रहता है दोस्तों, लोग काफ़ी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ऑटो जाते रहेगी, हालाँकि और दिन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा दोस्तों। आज देखता हूँ बाज़ार में भीड़ है या नहीं, क्योंकि बारिश दोस्तों कुछ देर पहले काफ़ी हो गया था, एक घंटा पहले बारिश हो गया था। हम बाज़ार के नज़दीक आ गए दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो हमारे गांव के वीडियो को देखते हैं, जो गांव से बाहर रहते हैं, बाहर में काम करते हैं या जॉब करते हैं, तो हमारे वीडियो को बहुत देखते हैं। तो आज हम बाज़ार का थोड़ा सा सीन दिखा देंगे और साथ ही साथ कुछ हम खरीद भी लेंगे। ओ यार, इतना बारिश दिन हुआ है फिर भी बाज़ार में इतना भीड़, यार हम सोचे नहीं थे यार कि बाज़ार में इतना सारा भीड़ आज होगा, लेकिन भाई सच में बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। हालाँकि दिन भर बारिश हुआ था इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा था दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं बाजार में और ये है मेरे गांव का बाजार, भाई लोग को हम दिखा देते हैं कैमरे से थोड़ा बैकग्राउंड। तो दोस्तों फाइनली हम बाजार में आ गए हैं दोस्तों, और देखिए हम बाजार में ही हैं और हम निकलते हैं आगे में दोस्तों, आगे में केला बिक रहा है और केला ही दोस्तों लेना है। तो ये है हमारा बाज़ार का दोस्तों सीन। दोस्तों ये रहा मेरा मार्केट, देख लीजिए पूरा ऑटो लगा हुआ है इधर में, लोग ले जाता है ऑटो वगैरह, और उधर पूरा दोस्तों बाज़ार ही बाज़ार। भाई तो देखिए आज बड़ा मज़ा आया यार कि बाज़ार में ये दोनों भाई मिल गए। पहले नाम बताइए अपना। कमरान अकमल। भाई का नाम? एम डी नूर। एम डी नूर अहमद, क्या बात है यार, बहुत भाइयों का सपोर्ट मिलता है यार, और बहुत अच्छा लगा ये बाज़ार में मिले हैं। और ये भाई बता रहे हैं कि हम वीडियो को देखते हैं ना जी, तो यार बहुत गर्व होता अच्छा लगता है आपका वीडियो देखने में, काफ़ी मतलब आपका वीडियो देख के खुश होता है कि चलो मेरे एक हमारे आसपास से कोई भाई बनाते हैं, करने बहुत अच्छा लगता है हमको कि चले भाई आगे बढ़े, उसके पीछे हम लोग भी बढ़े। क्या बात है यार, बड़ा गर्व होता है कि ऐसे भाई मिलते हैं हमारे। और ये देखिए हमारा बाज़ार लगता है, जैसा कि सभी को बताएं शुक्रवार और शनिवार को बाज़ार लगता है ना, तो ये भाई लोग मिल गए। तो यार बात करते करते तो हमें लगा चलो भाई वीडियो में बात करते हैं हम लोग, और हम भी आए थे मार्केट थोड़ा सा
घूम लेते हैं, कुछ सामान खरीदना वगैरह खरीदते हैं ना। तो आप लोग भी मार्केट ही आए थे घूमने? हाँ, नज़दीक में लोग घूमने आ जाते हैं ना। ऐसे भी लगता है कुछ ना भी लेना हो, जरूरत भी नहीं है, तो लगता यार एक बार घूम लो। तो यार बहुत अच्छा लगा भाई लोग से मिलकर, एक बार आपको हाय कर दिया सबको। तो चलिए बहुत अच्छा लगा ये भाई लोग से मिलकर, बहुत अच्छा लगा यार। इंस्पिरेशनल चीज़ें मिलता है यार इन भाइयों से, जब मार्केट में रास्ते में लोग बोलते हैं, ये भाई बता रहे हैं कि आपका अक्सर यहीं पे मिलता है बना हुआ है ना। अंदर पे देखते हैं आपका यहाँ से, और देखने का बहुत खुशी आती है कि चलो भाई ये अपना मेरा बगल गिर का शायद सक्सेस हो, आगे बढ़े, उसके पीछे हम लोग भी सहमत हैं, हम लोग भी बढ़े। और देखिए यार ये भैया हमारे बता रहे हैं कि YouTube बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इस पर मेहनत कीजिए, तरक्की एक दिन होगा, बहुत अच्छा करेंगे। यार दिल खुश हो जाता है यार कि इन भाइयों को ऐसा सोच है, कम से कम चीज़ें समझते हैं यार। और नहीं तो बहुत भाइयों को तो बहुत कुछ समझ नहीं आता, लेकिन देखो भाई ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं तो गदगद हो जाता है मिजाज यार, कुछ करने का क्षमता बनता है। तो चलिए आप लोग को ढेर सारा धन्यवाद, बनने लगा तो चलते हैं एक बार और हाई कर लेते हैं। तो चलिए भाई लोग चला गया मिल करके, वो लोग भाई दो को मिल गया था, तो अब हम खरीद लेते हैं केला। और यहाँ पे दोस्तों बिक रहा है केला, तो चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं, देखिए ये है केला। भैया केला कैसे है बताइए? तो 40 रुपये दोस्तों केला है, तो हम केला खरीद लेते हैं। तो ये दोस्तों केला 40 रुपये है, हम एक दर्जन केला खरीदेंगे और यहाँ से दोस्तों घर जाएंगे। काम जो पानी आ गया तो बहुत दिक्कत है भैया, 12 बजे दीजिए केला। देखिए भैया दे रहे हैं, और दोस्तों अचानक बारिश आ गया, लोग भागने लगे हैं इधर। देखिए आप उधर पूरा अचानक पानी आ गया दोस्तों, भीग जाएंगे इसलिए जल्दी जाएंगे भैया, जल्दी कर दीजिए। तो भैया फटाफट दे रहे हैं यार, बारिश दिन भर होते रहता है यार, यही तो है। तो पानी दोस्तों रिमझिम बरसना शुरू हो गया है। तो चलिए भैया को पैसे देते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो भाई हम केला ले लिए हैं और दोस्तों चलते हैं अब बाज़ार से हम घर, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है। आप देख सकते हैं अभी बारिश आ गई थी, लेकिन बारिश छूट गई दोस्तों। और काफ़ी अच्छा लगा आज बाज़ार आकर के, भीड़ भी अच्छा खासा है, और आज के दिन भीड़ रहता है दोस्तों ज़्यादा, क्योंकि शाम तो हो गया है अभी, और बिल्कुल शाम होने में टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, अगर ज़्यादा देरी रुक जाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर, और देखिए मेरी मम्मी आज कितना खुश हो जाएगी, क्योंकि मम्मी का ये फेवरेट है दोस्तों। तो मैं बाज़ार आया तो मुझे याद आ गया कि आज ले लेते हैं और मम्मी को खिलाते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसे भी आज मेरी मम्मी को पैर दर्द कर रहा है, तो काफ़ी दुख हो रहा था दोस्तों। 2-3 दिनों से मेरी मम्मी का पैर दर्द कर रहा है, मतलब वो चल नहीं पा रही है, तो काफ़ी थोड़ा दुखी महसूस हो रहा था, इसलिए आज हम लेके जाएंगे और वो शायद खुश हो जाएगी कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाया है। ऐसे दोस्तों हम अक्सर रोड पे जाते हैं तो मम्मी के लिए कुछ ना कुछ हम लेके ज़रूर आते हैं, क्योंकि भाई माँ अगर दुनिया में आपके है, और अगर माँ को प्यार करते हैं और माँ के लिए अगर छोटी छोटी चीज़ें सोचते हैं कुछ भी, तो और ऐसे भी दोस्तों कहते हैं ना कि माँ जो होती है उसके भी मन में आशा ज़रूर कुछ ना कुछ जगती है। दोस्तों आज मम्मी के बारे में बता ही रहे हैं तो दोस्तों एक चीज़ और याद आ गया, हमको एक भाई हमको बोले थे कि आप अपना फैमिली को वीडियो में लाओ या मम्मी को खास करके, क्योंकि मम्मी से हम काफ़ी बहुत दिल से मम्मी मेरी मानती है, और मैं समझता हूँ कि माँ एक ऐसी इंसान होती है दुनिया में जो सब कुछ माँ होती है, क्योंकि आप माँ के बारे में बहुत सारे चीज़ सुने होंगे कि माँ ही एक ऐसी वो इंसान है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करती है। वो एक समय भूखे रह सकती है, एक वक्त खाना नहीं खा सकती है, लेकिन आपको भूखे नहीं रहने देगी। तो दोस्तों हम एक बात बताना चाहें कि मम्मी को या अपने फैमिली में, खास करके मम्मी से मेरा काफ़ी लगाव है दोस्तों, लेकिन मैं चाहता हूँ वीडियो में लाने के लिए, लेकिन मैं नहीं लाता हूँ। मेरी मम्मी एक बार बोले कि हम बोले मम्मी वीडियो में तुमको लाते हैं, तो बोलती है कि जैसे दोस्तों मैं बता दूँ तो घर वालों या किसी को भी लगता है कि पैसा नहीं आता है, वीडियो बनाने से क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे इस बात का दुख होता है कि काश अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता तो मम्मी को हम ज़रूर लाते, लेकिन कुछ नहीं आता है दोस्तों पैसा वैसा, इसलिए मम्मी को लगता है कि ये कोई अच्छा चीज़ नहीं है, फ़ायदा नहीं होता है, बेकार के वीडियो बनाना, कुछ नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा तभी अब हम मम्मी को लाएँगे वीडियो में,
और मुझे उम्मीद है कि हम पूरा फैमिली को लाएंगे वीडियो में। ये आप लोग में दोस्तों थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अगर आप लोग चाह जाएं दोस्तों तो मेरा वॉच टाइम बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, बहुत जल्दी दोस्तों हम अच्छा कर पाएंगे, तो हम अपना पूरा फैमिली को दोस्तों वीडियो में लाएंगे और मेरी मम्मी को तो मैं हर वीडियो में लाऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना और दोस्तों हमेशा खुश रहना और अपने भाई को खुश रखना दोस्तों। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय दोस्तों।